आगे ना करे स्वागत है। हमारे प्रत्याशी आनंद शर्मा जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच हमारी आज की सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। अब मैं आग्रह करूंगा केवल पठानिया जी से, जो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी आवाज दो। साथियों, इतनी भारी धूप में, इतने टेम्परेचर में आज भारी संख्या में आप लोगों ने इकट्ठे होकर यह दिखा दिया है कि आने वाले लोकसभा का रिजल्ट क्या है। हमारी माननीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारे बीच है। मेरा निवेदन रहेगा स्थानीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी से कि वो कृपया करके ये माता रानी की चुनरी है, माता रानी की चुनरी से, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे हिमाचल के हीरो हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। मैडम, मैडम, ये पट्टू, ये जो विधायक साहब भेंट कर रहे हैं माननीय दीदी प्रियंका गांधी जी को, ये यहाँ का लोकल उत्पाद है। ये जो हमारे भेड़ बकरी पालक हैं, ये भेड़ की ऊन से बना हुआ और खुद घर में तैयार किया हुआ ये बटुआ। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय पठानिया जी से कि वो आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करें। हिंदुस्तान की नेता, और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की जननायक, मैं अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से प्रियंका जी का हाथ स्वागत करिए, हार्दिक अभिनंदन करिए। हम बड़े खुश नसीब है कि आज हमारे इस चंबी मैदान में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर में, और जिला कांगड़ा की ये जनता सबका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी, आदरणीय अनंत शर्मा जी, चंद्र कुमार जी, गोमा जी, बाली जी, और किशोरी लाल जी, महेंद्र राजन जी, भवानी पठानिया जी, संजय रतन जी और संजय कपूर जी। और अब मैं, क्योंकि पहले ही टाइम ज्यादा हो गया है, मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, मैडम ये चंबी का ऐतिहासिक मैदान है, और इसी मैदान से ये आज कूच होगा कि हिंदुस्तान में इंडिया रेड गवर्नमेंट बनेगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई अनंत शर्मा जी से, आए और जनमानस को संबोधित करे अनंत शर्मा जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता जो आज अपना संदेश देने के लिए कांगड़ा में आई है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सब विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस,
छात्र संगठन और सेवा दल के पदाधिकारी, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि इतनी गर्मी में आप आए हैं प्रियंका जी का संदेश सुनने के लिए। आज देश में एक बड़ा चुनाव हो रहा है कुछ दिन के अंदर, और वो चुनाव केवल हिंदुस्तान के लिए महत्व नहीं रखता, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के लोग क्या फैसला करेंगे। 100 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे अपने भविष्य के लिए। आपको याद रखना है कि किस तरह की ताकतों से हमारा मुकाबला है। हिंदुस्तान की असली तस्वीर को मन में रखते हुए, इस भारत की विशालता को देखते हुए, ये फैसला भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे अगले 5 साल के लिए, ये तय करके कि कौन सी विचारधारा की सरकार हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी का संग्राम की अंग्रेजी हुकूमत को शिकस्त दी, आजादी के बाद के भारत का निर्माण किया। भीड़ जो है इस वक्त, मैं उस पीढ़ी का हूँ जिसने हर दशक भारत को बनते देखा है, हिमाचल को बनते देखा है और आगे बढ़ते देखा है। दूसरी विचारधारा भारत की विविधता को, भारत की अनेकता में एकता को स्वीकार नहीं करती। वो लकीरें खींच रहे हैं इलाके, भाषा, धर्म के नाम पर, जो आपके और मेरे देश को, भारतवर्ष को कमजोर करती है। मुझे सिर्फ 2-3 बात आपको कहनी है। पहली, पिछले 10 साल को आप देखें और इस 10 साल में क्या हुआ उसको याद रखें। ये वायदा खिलाफी हुई है नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश की जनता के साथ। एक आतंक और भय का वातावरण बना है, संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। इस 10 साल में पहले के राष्ट्र निर्माण को, पहले की उपलब्धियों का अपमान किया गया है। कोई भी देश जो अपने राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान करता है, उनको इतिहास माफ नहीं करता। आप तुलना करिए, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे हमारे, एक विद्वान अर्थशास्त्री थे, हमारे यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और उस सरकार ने 10 साल में क्या किया? मनरेगा लाई, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिया। ये कानून बना के गई थी हमारी सरकार, क्योंकि हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आप एक मिनट सोचिए,